हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, दिन है आज थर्सडे और आज है इलेक्शन, तो सबकी छुट्टी है। तो अभी ये लोग जो हैं सो रहे हैं, वंशिका उठी है और मैं उठी हूँ और यहाँ पर बन रही है चाय। तो चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं एक एक कप चाय के साथ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज इलेक्शन है तो सबकी छुट्टी है, तो सब तसल्ली से ही उठने वाले हैं। लेकिन आज हुआ ये कि वंशिका मुझसे भी पहले उठ गई। तो होता है ना, बच्चों को क्लास के लिए उठाओ तो नहीं उठते, लेकिन छुट्टी हो तो खुद से उठ जाते। तो करीब मेरे से एक घंटा पहले उठ गई थी वो। और उठने के बाद बच्चों का भी एडिक्शन होता है ना, एक ही चुपके से फ़ोन ले गई और फ़ोन देख रही थी। फिर अचानक से मेरी भी नींद टूटी, तब पता चला कि वंशिका मुझसे पहले ही उठ के ना फ़ोन देख रही है। तो जब मेरी आँख खुली तो 8:30 बज चुके थे। एंड सुबह 6:30 बजे एक बार उठती हूँ मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है मिल्क आता है तो बाहर से मिल्क लेने के लिए उठती हूँ। हालांकि वो लोग मतलब बेल वगैरह नहीं बजाते, चुपचाप जो है ना ये जो पैकेट होता है ये रख के चले जाते हैं डोर पे। लेकिन फिर भी डर लगता है कि कोई डॉगी वगैरह अगर ऊपर तक पहुँच गया, तो इस वजह से मैं जल्दी से क्या करती हूँ, उठ के सबसे पहले मिल्क अंदर करती हूँ, उसके बाद ना अगेन सो जाती हूँ। तो यहाँ पर मिल्क रख दिया है गर्म होने के लिए, चाय भी बन रही है और जो एक दिन पहले का मिल्क था ना उसकी मलाई जो मैं स्टोर करती हूँ। तो ये देखिए, अच्छा ये वाला मिल्क इतना अच्छा है कि इसकी मलाई इतनी निकलती है जितनी आप एक मोटी रोटी बनाते हैं ना, मोटी वाली रोटी की बात करी, उतनी इसकी जो है मलाई निकलती है। और मैं ना 2 लीटर दूध लेती हूँ अमूल का बफेलो मिल्क, और 2 लीटर दूध में इतनी मलाई निकलती है। तो 3 दिन अभी हुए हैं और मलाई आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी जो है ना स्टोर हो गई है। तो इसीलिए बोलती हूँ भाई, ये वाला मिल्क बहुत अच्छा है। और मलाई निकालने के बाद नॉर्मली क्या होता है, जैसे दूध हम चाय में डालते तो चाय काली हो जाती है, बट इस दूध के साथ ऐसा नहीं है, चाय काली नहीं होती है। लेकिन हाँ, मेरी चाय देख के आप ज़रूर बोलते हैं कि दी आप बहुत काली चाय पीते हो, वो मेरा टेस्ट है क्योंकि मैं पत्ती बहुत ही ज़्यादा ऐड करती हूँ अपनी चाय में, क्योंकि मुझे ना वो दूध दूध वाली चाय अच्छी नहीं लगती पीनी। मुझे क्या, किसी को भी पसंद नहीं है हमारे घर में, तो हम लोग ना इसी तरीके की कड़क वाली चाय होती है, दूध कम पानी ज़्यादा और अदरक और पत्ती ज़्यादा, वो वाली चाय हम लोग लेते हैं। तो चाय बन गई है और बस यहाँ पर मैंने वंशिका के लिए भी थोड़ी सी चाय निकाली है और साथ में बिस्किट दे रही हूँ उसे, क्योंकि बहुत देर हो गई है उसे उठे हुए, तो 1 घंटे में जो बच्चों को भूख भी लगनी शुरू हो जाती है। तो बस यहाँ पर वंशिका अपने चाय बिस्किट इंजॉय करेगी और मैं पी रही हूँ चाय। एंड इनको भी दे दी थी, तो ये अपनी बैल्कनी में बैठ के जो है ना मतलब अपने पेड़ पौधे भी देखते रहते और अपनी चाय भी इंजॉय करते रहते। और अब धीरे धीरे मौसम भी जो है नॉर्मल होने लगा है, तो वैसे तो सुबह दरवाज़ा खोलते एकदम ठंडी सी हवा आती है, बट अब ऐसा नहीं है, अभी तो 2-3 दिन से मौसम जो है ना ठीक ही लग रहा है। तो चाय वगैरह पीने के बाद जो है इधर मैं अभी रूम वगैरह सेट करूँगी, क्योंकि नाश्ते में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ आज पराठे बनाने इन लोगों के लिए, क्योंकि नाइट में जो है हम लोगों ने सोया चाप मंगवाई थी ग्रेवी वाली, वो काफ़ी ज़्यादा बची हुई है, तो बस उसी में ही जो है हम लोग पराठे खा लेंगे। तो जब नाइट की ऐसी सब्ज़ी इतनी ज़्यादा होती है तो मॉर्निंग की ज़्यादा टेंशन होती नहीं है। तो बस बेडशीट वगैरह ठीक कर लेते हैं दोनों रूमों की, और बेडशीट ठीक करते करते अपने घर के काम करते करते आप लोगों को बतानी है बात। तो बात ये है कि आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी आपके फेवरेट जो व्लॉगर है वो कौन है, आप किसके व्लॉग्स देखती हो, क्योंकि मैंने अपने इससे पहले वीडियो में बोला था कि मैं भी जो है ना मेरे फेवरेट व्लॉगर हैं जिनके व्लॉग्स मैं देखती हूँ। तो उन्हीं में से मेरी सबसे फेवरेट जो व्लॉगर है वो है अयान मॉम एंड ब्यूटी की, जो रमा दी है वो। तो पिछले 1 साल से जो है ना मैं उनके वीडियो रेगुलर वॉच करती हूँ, मुझे जितना भी टाइम मिलता है, अगर मैं अपने पूरे दिन में से अपने लिए आधा घंटा निकाल रही हूँ ना, तो मैं उस आधे घंटे में उनके वीडियोज़ ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तरीके से समझ लीजिए, इंस्पिरेशन समझ लीजिए, बहुत कुछ मैंने सीखा है उनके वीडियोस को देखकर। तो मतलब होता है ना, आप किसी को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, आप उसके वीडियो से कुछ सीखते हैं, तो उन्हीं के ही वीडियो देख देख के मैंने काफ़ी कुछ सीखा और काफ़ी कुछ चेंज लाए हैं। और ये बात मैं दिल से बोलूँ कि सच में उनके वीडियोस जब मैं वॉच करती थी ना, तो मैं देखती थी कि मेरे वीडियोस में कहाँ कमी है, और इस तरीके से उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो अगर एक रिश्ता देखा जाए तो टीचर स्टूडेंट या गुरु शिष्य का रिश्ता, जिसमें कि गुरु तो शायद जानता नहीं है, बट हाँ शिष्य ज़रूर जानता है, तो टीचर और स्टूडेंट वाला रिश्ता है। तो उनसे अभी भी मैं सीखती हूँ और मुझे उनके व्लॉग्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मेरी फेवरेट व्लॉगर वही है। और बहुत सिंपल से अपने डेली व्लॉग्स वो करती हैं, मतलब बहुत सिंपल सी लाइफस्टाइल है जो वो दिखाती हैं, जैसे कि हर एक नॉर्मल फैमिली की होती है, एक मिडिल क्लास फैमिली की होती है, लेकिन
उस बीच में भी एक एडिक्शन होता है ना किसी को देखने का, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि एक एडिक्शन है कि नहीं देखना है तो देखना है, मतलब अगर नहीं देखा तो दिन नहीं बीतेगा, पूरे दिन में कुछ खाली खाली लगेगा। तो बस ऐसा ही मेरे साथ भी होता है, तो उनके वीडियोस में ज़रूर देखती हूँ। तो ये तो हो गई मेरे फेवरेट यूट्यूबर की बात। तो चलिए बात करते करते, यहाँ पर जो है सबके लिए पराठे भी बना दिए थे मैंने, तो बच्चे भी पराठे खा रहे हैं, लेकिन मैंने अपने लिए नहीं बनाए थे क्योंकि मुझे ना चाप एक ही बार मैं खा सकती हूँ, एक से दूसरी बार नहीं खा सकती। तो मैंने अपने लिए जो है लहसुन धनिया की चटनी बनाई थी और साथ ही साथ रोटी बनाई थी। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद अब कर लेते हैं घर की क्लीनिंग। तो बस डाइनिंग में कुछ एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ था, क्योंकि हमारी आदत होती है ना, जैसे कुछ सामान आता है ना एक्स्ट्रा में, वो अब डाइनिंग के ऊपर रख देते, वही होता है जहाँ जगह मिली वहाँ रख दिया। उस टाइम पर तो नहीं पता चलता, लेकिन बाद में देखने में लगता है बहुत ज़्यादा ख़राब। तो इसी तरीके से एक बास्केट रखी हुई थी डाइनिंग में, तो वो मैंने हटा दी है। अभी कॉलिन से अच्छे से जो है इसको मैं क्लीन करूँगी। और बाकी सोफ़े पे आप देख सकते हैं कपड़े अगेन हो गए, तो आज मैंने एक ही बेड की जो है बेडशीट चेंज करी है, दोनों की नहीं करी है। तो वो जो ब्लैंकेट है ना उसको मैं वॉश करूँगी, उससे पहले थोड़ी बहुत जो डस्टिंग है वो मैं कर लेती हूँ। और हाँ, एक बात और कि कल के वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने वॉशिंग मशीन के लिए केमिकल मंगवाया है, जिसका कि आप लोग नाम पूछ रहे थे। तो आप ना अमेज़ॉन वगैरह में सर्च कर लेना केमिकल फॉर वॉशिंग मशीन, तो आपको जो है ना वहाँ पर मिल जाएगा। बॉक्स होते हैं, आपको नाम इसलिए नहीं बता रही हूँ कि हो सकता है कि हर मशीन के अलग अलग हों, मुझे पता नहीं है, इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हमारी मशीन को वो देखने वाले आए थे कंपनी से, तो उन्होंने वो हमें सजेस्ट किया, तो इसीलिए जो है मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। बाकी आप ना एक बार पूछ के ये चीज़ें करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हर किसी की मशीन अलग अलग होती है। और बाकी आप मशीन का नाम डालकर और अमेज़ॉन पे सर्च कर सकते हैं, तो चाहे अमेज़ॉन पे करिए, फ्लिपकार्ट पे करिए, जिस पे मर्ज़ी कीजिए, जो भी मतलब आपकी शॉपिंग ऐप है, तो वहाँ पर जो है ना आपको मिल जाएगा वो केमिकल। तो पूरे घर की डस्टिंग हो गई है, अब जो है किचन वगैरह भी क्लीन कर लेते हैं। तो अच्छे से पूरा काउंटर टॉप मैंने क्लीन कर लिया है, और साथ ही साथ अभी हॉब भी क्लीन करूँगी। तो जब मेरा काउंटर टॉप क्लीन होता है ना, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है ना, बड़ा अच्छा सा लगता है ऐसे चमकता हुआ काउंटर टॉप ना, ऐसा लगता है कि इसके बाद इसमें खाना ही नहीं बनाना है, बस इसको ऐसे ही सजा धजा रहने दो। बट वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ 5-10 मिनट के लिए तो थोड़ा सा शांति मिल जाती है कि चलिए अभी जो है काउंटर टॉप हो गया है क्लीन, अभी जो है हॉब वगैरह भी क्लीन कर लेते हैं। वगैरह हो चुकी है क्लीन, बर्तन अभी वॉश नहीं हुए हैं, उनको छोड़ दिया है, तो थोड़ी देर बाद उन्हें वॉश करेंगे। तब तक झाड़ू लगा लेते हैं, और साथ ही साथ मैंने अपने फेवरेट सॉन्ग्स भी लगा लिए थे। इस टाइम पे घर पे कोई भी नहीं था, क्योंकि सब इधर उधर गए थे, बच्चों का ट्यूशन था, ये भी जो है काम से बाहर चले गए थे। तो जब घर खाली होता है तो साफ़ सफ़ाई ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है, और जब घर में सब लोग रहते ना तो फिर साफ़ सफ़ाई करवा लो आप कितनी मर्जी, फिर 5 मिनट में वही हाल हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये सब लोग चले गए थे और आए तब जब मैं अच्छे से पूरा घर क्लीन कर चुकी। अच्छे से बिल्कुल मैंने कोने कोने से जो है ना आज घर में झाड़ू लगाई है। अब अपने मैजिक मॉप का मैजिक चलाते हैं और पूरा फर्श कर देते हैं क्लीन। तो यहाँ पर क्या होता है, पानी में थोड़ा सा लाइज़ोल मिलाती हूँ, और लाइज़ोल जो मैं यूज़ करती हूँ वो ना रोज़ वाला होता है, मुझे लेमन और रोज़ जिसकी खुशबू होती है वो वाला बहुत ज़्यादा पसंद है, वही दोनों ही मैं लेकर आती हूँ, उसके अलावा मुझे कोई भी खुशबू पसंद नहीं आती है। तो जब फर्श पे पोछा लगाओ ना, तो एक गुलाब की जो खुशबू सी चलती है ना धीमी धीमी, उससे मूड और ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। तो पूरी क्लीनिंग करने के बाद अब इधर जो है बर्तन वगैरह भी वॉश कर लेते हैं। तो जब क्लीनिंग हो जाए ना, उसके बाद अगर बर्तन बहुत सारे भी हो रहा तो भी तसल्ली रहती है कि अब हमारे पास कुछ काम नहीं है, अब हमने सारा काम कर लिया है, अब हमारा लास्ट का बस यही काम बचा है। तो बस यहाँ पर बर्तन भी क्लीन करूँगी, एंड उसके बाद जो है मैं कपड़े भी लगा दूँगी। तो हाथ के हाथ कपड़े लग जाते हैं तो लग ही जाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ब्लैंकेट ही एक्स्ट्रा में थी मेरे मशीन में, वो मैंने निकाल दी है, बाकी के सारे कपड़े मैं जो है वॉश के लिए लगा दूँगी यहाँ पर।
और ये जो स्टैंड पे कपड़े लगे हुए हैं इनको रख देते हैं बास्केट में। अच्छा वैसे मैं इनको बास्केट में नहीं रखती हूँ, इनको मैं अंदर रूम पे ले जाके रखती हूँ, लेकिन अभी मैं बास्केट में इसलिए रख रही हूँ क्योंकि अभी ना मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि इनको फोल्ड करने का टाइम नहीं था क्योंकि आज हम लोगों को कहीं जाना है। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से अपने काम निपटा रही थी कि मेरे जल्दी से काम सारे हो जाएँ, बाकी फिर ये आने के बाद ही काम होगा। तो कहाँ जा रही हूँ ये तो आपको मेरे दूसरे चैनल पर जो व्लॉग आएगा उसमें पता चलेगा। फ़िलहाल ये कपड़े ले आते हैं अंदर और अभी सफाई के बाद आपको एक बार पूरे घर का जो है मैं लुक भी दिखा देती हूँ कि कितना सुंदर लग रहा है पूरी क्लीनिंग होने के बाद। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, एकदम चमकता हुआ साफ सुथरा घर जब घर पे कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी सफाई और बस। तो बस ये है घर का पूरा लुक और इसके साथ ही जो है मैं अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करूँगी। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।